गाइस एब्सिन था। तो गाइस हमारी हाउ वी ग्रो प्लांट वाली जर्नी आज फिनिश हो चुकी है। तो गाइस आज से हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे जिस जर्नी का नाम है प्लांट एंड फ्रूट्स। तो जल्दी से अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप हर मतलब आप अपने हाउस के हर फर्नीचर को ले लीजिए। हर फर्नीचर प्लांट से ही बनता है। हाँ, हम प्लांट की रूट्स को काटते हैं और उससे न्यू न्यू फर्नीचर्स बनाते हैं। जिसके अलावा हम अगर बात करें रबर्स की, तो गाइस हम रबर को भी प्लांट से ही बनाते हैं। कैसे आप पूछोगे कैसे, तो गाइस एक प्लांट होता है जिसका नाम है रबर ट्री। तो जो रबर ट्री रहता है हम उस रबर ट्री की मदद से उस रबर ट्री को काट लेते हैं और उसे फैक्ट्री में ले जाते हैं और उसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम उसे रबर के नाम से पुकार के अपने कई सारी जगह पर उसका इस्तेमाल भी करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जिसके अलावा अब अगर बात करें ग्लू की, तो ग्लू हमें मिलता है प्लांट से। और एक प्लांट में गाइस हर प्लांट में केमिकल रहता है, जिस केमिकल का नाम रहता है रेसी। तो जो रेसी केमिकल रहता है ना, वो रेसी केमिकल को हम ले जाते हैं और उसको फैक्ट्री में उसमें थोड़े बदलाव ला के उसको ग्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसके अलावा अगर बात करें शुगर की, शुगर कैसे मिलता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। शुगर डेफिनेटली शुगर केन या शुगर बीट से मिलता है जो कि प्लांट से उगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादातर चीज़ें प्लांट से ही मिलती है। हमें ऑक्सीजन भी प्लांट से मिलता है। हम कई सारी मतलब हम अपने पूरी लाइफ में ऑक्सीजन लेते हैं। तो गाइस मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात की थी, तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ को ऑक्सीजन में ही गुजारते हैं। तो गाइस अब हमारा इतनी जल्दी प्लांट एंड फ्रूट वाला जर्नी फिनिश होती है। तो गाइस आज फाइनली हमारा चैप्टर वन जिसका नाम था वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ प्लांट, यह चैप्टर आज फिनिश हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वाटर एंड लाइफ। तो गाइस यह है पार्ट वन। पार्ट वन का नाम है हाउ इज ग्रो, मतलब ये हमारी जर्नी के नाम से ये पर पार्ट का नाम है हाउ इज ग्रो, मतलब कैसे क्या ग्रो होता है। तो जल्दी से इस पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं तो गाइस हम समय के साथ बहुत चेंज हो जाते हैं। इवन मम्मा ने भी कई सारे प्लांट बोए थे, सीड्स बोए थे, लेकिन वो प्लांट हो गए, मतलब वो पहले से चेंज हो गए। इवन सीजन्स भी चेंज होते हैं। इसके अलावा हम भी समय के साथ बहुत चेंज हो जाते हैं। गाइस हम जो चेंज होते हैं ना, मतलब हम जो बड़े होते हैं ना, मतलब अपन ग्रो करते हैं, जैसे कि प्लांट भी ग्रो करते, हर चीज़ ग्रो करती है, हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़ ग्रो करती है, जैसे प्लांट भी ग्रो करता है। तो वैसे अगर कोई ह्यूमन ग्रो करता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि अब ये बड़ा हो रहा है। तो गाइस हम इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि जब आप किंडरगार्टन में थे और आप आज जितने बड़े हो, तो आप जब आप किंडरगार्टन में थे तो आज उससे कई ज़्यादा गुना बड़े हो चुके हो। तो गाइस समय का तो पता ही नहीं चलता है। जैसे कि आपने कल को बीज बोया तो बहुत जल्दी वो बीज बड़ा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो प्लांट कब उग गया है। जिसके अलावा गाइस जैसे कि आप छोटे थे, आप जब इमेजिन कीजिए कि आप 1-2 साल के थे और आज आप 7 ईयर्स के हो गए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इतना छोटा था और मैं कितनी जल्दी इतना बड़ा हो चुका हूँ। जिसके अलावा बात करें प्लांट की, तो गाइस प्लांट में एक सीड रहता है, उस सीड के अंदर एक बेबी प्लांट रहता है। और गाइस बात करें वाटर की, तो गाइस
प्लांट को फूड बनाने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है। पहला है सनलाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है वाटर। तो गाइस जब हम है ना किसी सीड को वाटर देते हैं, जैसे मम्मा हर रात को प्लांट्स को वाटर देते हैं, तो वैसे हम अगर किसी सीड को पानी देते हैं तो उसके अंदर का जो बेबी प्लांट रहता है वाटर उस बेबी प्लांट को हेल्प करता है उस सीड को ब्रेक करके उसके बाहर निकलने के लिए। जिसके अलावा गाइस जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट्स को भी प्लांट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स को आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है मिनरल्स और हमको ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन डी की तो और मिनरल्स की। तो वैसे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रिएंट्स क्या रहता है सॉइल में। तो गाइस जो वाटर रहता है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को निकालने में उसकी हेल्प करता है। इसके अलावा गाइस वाटर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि अगर आप किसी प्लांट को वाटर नहीं देते हो तो वो प्लांट बहुत ज़्यादा मुरझा जाएगा, मतलब वो बिल्कुल मुरझा ही जाएगा। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत छोटा था तो तब मेरे हेल्थ भी छोटे थे, जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे हेल्थ भी बड़े हो गए, उसे हम एडॉप्शन कहते हैं। तो हमने एडॉप्शन इन प्लांट वाली जर्नी में इसे भी डिस्कवर किया था कि कैसे क्या होते हैं एडॉप्शंस। जिसके अलावा गाइस प्लांट्स को वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, अगर हम प्लांट को वाटर नहीं देंगे तो वो डेफिनेटली मुरझा ही जाएगा। इसके अलावा हम अगर बात करें हमारे, तो आप एक बार इमेजिन कीजिए गाइस, आप बहुत ज़्यादा धूप में खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे और आपको जरूरत पड़ेगी वाटर की, तो आप वाटर पीते हो। तो वैसे प्लांट को कूल होने के लिए ज़रूरत पड़ती है वाटर की। प्लांट की जो लीव्स रहती है, प्लांट की लीव इस पूरे प्लांट को कूल रखने में हेल्प करती है। लेकिन जब समर आता है तो वह लीव्स उसे इतना कूल डाउन नहीं कर पाती है, इसकी वजह से प्लांट्स थोड़ा मुरझाने लगता है मतलब समर्स में। तो हमें उसे पानी देना चाहिए ताकि वो कूल अप हो सके। तो गाइस आज की वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता था कि गाइस आज से हम एक फैक्ट्स मतलब फैक्ट करेंगे, मतलब आज से हम फैक्ट स्टार्ट करेंगे, फैक्ट्स मतलब समझते हैं फैक्ट्स। तो गाइस आज की वीडियो का फैक्ट है, जैसे कि हम बहुत सारी वीडियो में करते रहेंगे फैक्ट, अगर मेरे को पता चलेगा तो मैं बताऊंगा अभी। तो गाइस आज की वीडियो का फैक्ट ये है कि हम आपको पता है कि हम इस पूरी लाइफ में कितने केजीज की ऑक्सीजन देते हैं। आपको नहीं पता, मैं बता दूं कि हम अपने पूरी लाइफ में 2 टन ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब 2000 केजीज लेते हैं अपनी पूरी लाइफ में ऑक्सीजन। तो गाइस आप बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।